प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शक्ति की अवधारणा के बारे में। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का अत्यंत महत्व है, क्योंकि राजनीति है क्या? राजनीति शक्ति का ही खेल है। जैसा कि भारत के प्राचीन विचारक ने भी कहा था कि राजनीति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है दंड शक्ति। कौन से थे वो प्राचीन विचारक? कौटिल्य। कौटिल्य दंड शक्ति को ही राजनीति का मूल मानते थे। आधुनिक युग में भी बहुत से विचारकों ने, जैसे कि बास्टर्ट, कैटलिन, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने राजनीति का मूल तत्व शक्ति ही माना है। चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति का अर्थ है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, या अपने या राष्ट्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के, जनता के, व्यापक जन समुदाय के व्यवहार को प्रभावित, नियंत्रित और निर्देशित करने की क्षमता, तथा उनसे अपनी बात मनवाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे शक्ति कहा जाता है। शक्ति बल से अलग है। जैसा कि बास्टेट कहता है कि शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है, लेकिन बल का वास्तविक प्रयोग नहीं है। बल और शक्ति में क्या अंतर है? कि बल में हमेशा दमन और हिंसा होगी, जो शक्ति में नहीं होती है। क्योंकि शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है मनोवैज्ञानिक पक्ष, यानी कि दूसरे के मन को, मस्तिष्क को, मनोविज्ञान को इस तरह से प्रभावित करना कि वो जिसके पास शक्ति है उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। शक्ति के अनेक स्रोत होते हैं, तो अब हम शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोतों की चर्चा करेंगे। शक्ति का पहला स्रोत होता है ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज या बुद्धिमत्ता, नेतृत्व के गुण, ये सारी चीजें आती हैं ज्ञान के अंतर्गत। और जो व्यक्ति इन गुणों को और इस तरह की नॉलेज को रखता है, वो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, दूसरों से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करवा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। अगर शासक के पास ये शक्ति होती है, तभी वह व्यापक जन समुदाय से कानूनों का पालन करवा सकता है, या किसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के पास ये शक्ति होती है तो वो लाखों लोगों को आंदोलन से जोड़ सकता है। तो पहला स्रोत ज्ञान होता है। दूसरा स्रोत कहलाता है प्राप्तियां। प्राप्तियां को अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो आर्थिक संसाधन या आर्थिक शक्ति। अगर आर्थिक स्रोत होते हैं किसी के पास, किसी को आप लाभ पहुंचा सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो वो भी एक शक्ति का प्रमुख स्रोत बन जाता है। शक्ति का तीसरा स्रोत जो होता है वह होता है संगठन। संगठन में शक्ति होती है, और अगर किसी संगठन के पास ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा होता है तो वो शक्ति हो ही जाती है। जैसे कि किसानों का आंदोलन हम वर्तमान में देख रहे हैं, तो वो संगठन के बल पर ही आगे चल रहा है, या कोई व्यापार संघ है तो संगठन। और राज्य की शक्ति भी राज्य के संगठन पर निर्भर करती है। और जो चौथा स्रोत होता है वो आकार भी होता है, यानी कि अगर व्यापक आकार है संगठन का तो शक्ति और अधिक बढ़ सकती है। तो ये तो हमने शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोतों की चर्चा की। अब हम शक्ति के प्रकारों की चर्चा करेंगे। ऐसे तो केंद्रित शक्ति, विकेंद्रित शक्ति, दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति और शक्ति के कई प्रकार बताए जाते हैं, परंतु शक्ति के प्रमुख प्रकार तीन होते हैं। पहला है संवैधानिक या कानूनी शक्ति। संवैधानिक या कानूनी शक्ति जो होती है वो संविधान द्वारा प्राप्त की जाती है, कानूनों द्वारा प्राप्त की जाती है। किसी पद पर आसीन व्यक्ति के पास ये शक्ति संविधान से आ जाती है। जो भी संवैधानिक पद होते हैं, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, या मुख्यमंत्री का हो, किसी का भी हो, जो पद है, जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां उनका प्रयोग करता है, तो ये संवैधानिक शक्ति होती है, कानूनी शक्ति होती है। दूसरी होती है परंपरागत शक्ति। परंपरागत शक्ति वो होती है कि जब परंपरा से कोई ऐसी ट्रेडिशन चली आती है कि उनकी आज्ञाओं का पालन व्यापक जन समुदाय करता है। हम धार्मिक शक्ति को, जैसे कि पोप की बात को लोग मानते हैं, या हमारे यहाँ भी धर्म गुरुओं की बात को लोग मानते हैं और उनके कहे अनुसार व्यवहार करते हैं, तो वो एक परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है, तो इसको हम परंपरागत शक्ति कह सकते हैं। राजनीति
के क्षेत्र में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का जो प्रकार है वो है करिश्मावादी शक्ति, करिश्मेटिक पावर। और वो होती है, किसी किसी नेता का ऐसा व्यक्तित्व होता है, किसी किसी नेता का इस तरह की पर्सनैलिटी होती है कि उसकी बात को व्यापक जन समुदाय मान लेता है। भारत में पहले पंडित नेहरू, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व इसका उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी के कहने पर लोग जो हैं अपने घर के बाहर दीपक भी जला लेते हैं, थाली भी बजाते हैं। तो ये क्या है कि उस व्यक्ति का ऐसा करिश्मा है, उस नेतृत्व का ऐसा करिश्मा है कि उसके कहने के अनुसार व्यापक जन समुदाय जो है वो अपना व्यवहार करता है। तो इसे करिश्मावादी शक्ति कहते हैं। शक्ति के साथ प्रभाव भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बल भी जुड़ा हुआ है, सत्ता भी जुड़ी हुई है, लेकिन शक्ति, प्रभाव, सत्ता, बल ये सब अलग अलग हैं। जैसे शक्ति और सत्ता की हम बात करें तो शक्ति का संस्थागत रूप है सत्ता। तो शक्ति में तो फिर भी थोड़ा बहुत बल प्रयोग हो सकता है, वो कभी कभी दमनात्मक भी हो सकती है, लेकिन सत्ता कभी दमनात्मक नहीं होती। सत्ता जो होती है वो हमेशा औचित्य और सहमति पर आधारित होती है। प्रभाव के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, लेकिन शक्ति बिना प्रभाव के, बिना सत्ता के अधूरी भी हो सकती है। तो शक्ति, सत्ता और प्रभाव आपस में बहुत ही गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। मोंटेस्क्यू ने तो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और कहा है कि विभिन्न देशों के बीच लगातार शक्ति के लिए संघर्ष ही चलता रहता है और सारा जो खेल है वो शक्ति संघर्ष का है। विचारधारा आदि तो केवल एक मुखौटा है। सभी राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और शक्ति प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखने की कोशिश भी करते हैं और उसमें वृद्धि करने का प्रयास भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही होता है और राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है। राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय नेता जो होते हैं वो अपनी शक्ति को प्राप्त करने, बढ़ाने और संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तो शक्ति क्या है, अंत में हम कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और शक्ति है राष्ट्र के या स्वयं के लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों से व्यवहार और दूसरों से अपनी बात मनवाने की क्षमता। और इसके लिए थोड़े बहुत बल प्रयोग की कभी आवश्यकता होती हो, वरना ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से दूसरों के मस्तिष्क पर प्रभाव स्थापित करना जरूरी है, नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है ताकि उनसे अपनी बात मनवाई जा सके। तो शक्ति क्या है, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित, प्रभावित करने की क्षमता और दूसरों से अपनी बात मनवाने की क्षमता, ये शक्ति है। और राजनीति में शक्ति का ही सारा खेल होता है और जिसे शक्ति प्राप्त हो जाती है वो सत्तासीन हो जाता है और देश पर शासन करता है। धन्यवाद।